अगर आप बीसी सखी की नौकरी करते हैं या फिर आपका जॉब लग चुका है तो बिल्कुल आपके मन में ये प्रश्न होगा कि कमीशन कितना मिलता है, कमीशन किस प्रकार से मिलता है। तो बिल्कुल ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग ऑलरेडी बीसी सखी का जॉब ज्वाइन कर चुकी हैं, जॉब करती हैं, या फिर जो जॉब करने वाले हैं, जिनको जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जिन्हें जॉब मिलने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपको कमीशन कितना मिलेगा, किस अकॉर्डिंग आपकी कमाई होगी, तो वो लाइव विद प्रूफ के साथ आपको वो चार्ट दिखाने वाले हैं, साथ में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो आ चुके हैं हम एक विड्रॉल कैश की तरफ, जो एक रसीद है, एक पावती है, और इस पावती में अभी आपका कमीशन भी दिखाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि इस वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताएंगे जिससे आपकी, ये मान चलिए, महीने के 2-3 हज़ार रुपये फायदे हो जाएंगे। अगर वो चीज़ आप जान जाएंगे करना क्या है, तो आप महीने के 2-3 हज़ार रुपये कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो उसको हम वीडियो के एंड में बताएंगे। फिलहाल आते हैं मुद्दे पर, यहाँ पर कमीशन की बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ऑलरेडी किसी ने मेरे पास भेजा है कि कैसे कमीशन मिलता है। ऑलरेडी पर्ची निकलते ही आपको पता है डिवाइस जो मिला है उसमें जब आप चाहे बैलेंस चेक करते हो, या फिर आप पैसा निकालते हो, या फिर आप पैसा जमा करते हो यानी कि ट्रांसफ़र करते हो, तो आपको एक प्रिंट करके एक रसीद मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 7:07 पे है, और यहाँ पर 1950 रुपये का ट्रांजेक्शन किया गया है, देख सकते हैं, और बैंक का नाम है आर्यावर्त जीबी गोमती नगर, ठीक है। तो ये आर्यावर्त जो बैंक है, बैंक का नाम, उस बैंक से ट्रांजेक्शन किया गया है। आधार नंबर लास्ट का 4 डिजिट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आरआरएन नंबर होता है, ठीक है, टर्मिनल आईडी होता है, साथ में रिटेलर अर्निंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि रिटेलर की अर्निंग हुई है। मैंने आपको बताया कि अगर आप 1000 रुपये से नीचे विड्रॉल करते हो तो उसमें आपको 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक की कमीशन मिलती है। लेकिन जब आप 1000 से 3000 रुपये की विड्रॉल करते हो तो वहाँ पर आपको 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की अर्निंग होती है। तो यहाँ पर आपको लाइव विद प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ 1950 रुपये का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है, और कितनी अर्निंग हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 रुपये की अर्निंग हुई है, ठीक है। बिल्कुल ये सीधे सीधे लिखा गया है रिटेलर अर्निंग। रिटेलर का मतलब जो ऑलरेडी आपको सुविधा दे रहा है, जो आपका पैसा निकाला है उसके अकाउंट में ये 3 रुपये ऑलरेडी जुड़ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये कमीशन की बात आप समझ गए होंगे। और जब आप इसी तरह 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का विड्रॉल करोगे तो वहाँ आपको 7 रुपये से लेकर 9 या 10 रुपये तक की कमीशन मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, कुछ लोगों की जैसे ट्रांजेक्शन बहुत कम है, ट्रांजेक्शन बहुत कम है मतलब मान लो दिन भर में 10 या 20 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन करती हैं, तो उनकी डेली की कमाई 20 रुपये हुई। इस बात को लेकर काफ़ी बहनें सीरियस हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो मैं बताता हूं, अगर आप ट्रांजेक्शन कम करते हो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपकी कमाई कम होगी। थोड़ा अपने ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ाएं, उसी 20,000 को 2 लाख 1 लाख रुपए में कन्वर्ट करें तो आपका जो 20 रुपये की अर्निंग होती है वो 20 रुपये की अर्निंग 200 रुपये में बदल जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। स्टार्टिंग में हर बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम फाइनली जो बात करने वाले, जो सीक्रेट आपको बताने वाले थे, वो आपको बता देते हैं दोस्तों। बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। चलिए यहाँ पर एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये भी देखिए उन्हीं की तरफ से आया है, और आधार एटीएम ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इससे पैसा नहीं निकाला गया है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दे रहा है, और अमाउंट में आपको 0-0 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन निकाला ही नहीं गया है, ओनली चेक किया गया है, यानी कि सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी एक ऑप्शन होता आपको। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई है, जब आपको स्टार्टिंग मैंने डिवाइस लाइव करके दिखाया था, एक मेरे पास बहन आई थी, उनकी मैंने पूरी मदद की थी, मैंने बताया कैसे क्या करना है, तो उन्हीं की डिवाइस से मैंने एक वीडियो बना दी थी चैनल पर, यानी कि ट्रिकी नंबर चैनल पर वो वीडियो है, उसमें मैं ऐसे डिवाइस लेके खड़ा हूँ थंबनेल पर, और वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी ये बैलेंस इंक्वायरी हुई है, फिर भी रिटेलर को 1 रुपये की मतलब अर्निंग यानी कि कमाई हो गई, ये देख सकते हैं आपको। ये सीक्रेट वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक अभी बस ध्यान से सुनते रहिए। जैसे आप अगर दिन भर में मान लो आपके पास लोग आते हैं पैसा निकलवाने,
तो आप उनका पैसा निकालने से पहले उनके अकाउंट को चेक कर लिया करिए। क्या होता है कि आप लोग डायरेक्टली बैलेंस निकाल देते हो और बैलेंस निकाल कर उनको दे देते हो, तो उसमें आपकी 1-1.5 रुपए की जो कमीशन होती है वही उतनी ही मिलती है। लेकिन अगर आप क्या करते हो दोस्तों, सिंपली अगर आप करते हो कि मतलब उनका बैलेंस भी चेक कर देते हो बैलेंस निकालने से पहले, ठीक है, तो 1 रुपये आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस वो निकालेंगे 2000-5000, उसकी कमीशन आपको अलग से मिलेगी। अगर आप डेली के 10 से 15 या 20 जितने भी ग्राहक आते हैं, आप डेली के 20 से 25 ग्राहक का अगर बैलेंस चेक कर देते हो तो आपको 20-25 रुपए तो ऐसे ही मिल जाते हैं, महीने के 1000-1200 रुपए ये कमाई हो जाएगी। तो ये सीक्रेट आपको कैसे लगी प्लीज बताइएगा, और मेरा कहना जरूर मानिएगा। आप इससे दो बेनिफिट्स होगा, पहली बेनिफिट्स ये होगा कोई कस्टमर अगर कहेगा कि मेरे खाते में 2000 रुपए थे, मैंने 500 निकाले थे, कैसे मेरे 1500 बचे, या फिर मेरे आपको ऊपर आरोप भी नहीं आएगा, आप उसको डायरेक्ट बोल लोगे भाई आपके खाते में 2000 रुपए हैं बताइए कितना निकालना है, आपके खाते में 5000 रुपए हैं बताइए कितना निकालना। इससे आपको ग्राहक को भी संतुष्ट करोगे और इसमें आपकी डबल अर्निंग भी है, समय सिर्फ आपके 1 मिनट लगेंगे और 1 मिनट में आप 1 रुपये आराम से कमाओगे। और कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर आप 20-25 लोगों का डेली पैसा सिर्फ चेक करते हो तो 25 रुपये की अर्निंग आप ऐसे डेली कर सकते हो। बातों को समझो, भावनाओं को समझो, और आपको मैं बता दूं ये सीक्रेट ही था आप लोगों के लिए। क्या आप लोग इस बात को जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नहीं जानते थे तो भी जरूर बताइएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर छापिएगा, और वो लाल वाला बटन जो आपको दिख रहा है ना जिसपे लिखा सब्सक्राइब, उसको प्यार से ऐसे झप्पी दीजिएगा, यानी कि मुझे सब्सक्राइब करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।